खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर आपके गांव में खुल गया है चमन ट्रैवल्स एंड बाइक सर्विस। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि चमन ट्रैवल्स आपसे वादा करता है सस्ती और अच्छी सर्विस देने का। तो आप चमन ट्रैवल्स के दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और पाएं अच्छी से अच्छी सर्विस। अब लखनऊ जाना हुआ आसान, मात्र 1600 रुपए में ये सुविधा चमन ट्रैवल्स में उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं कुंजू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टर्मिनेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ में कोरोना काल के बीच हो रही मौतों के बाद अब शहर में लकड़ी की कमी होने लगी है। आपको बता दें कि शहर के लकड़ी ठेकेदारों का कहना है कि दूसरे जिलों से लकड़ियां मंगानी पड़ रही है। वहीं अब नगर निगम तकरीबन 9000 क्विंटल लकड़ी मंगा चुका है। सुल्तानपुर में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के जिला मंत्री सौरभ मिश्रा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लगातार तीसरे दिन बरुआ कला थाना और बैंक ऑफ बड़ौदा में फिनाइल का छिड़काव कर लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए लोगों से अपील की कि घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। अमेठी से भेजे गए कोरोना के सैंपल्स में से कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 154 मरीज इससे ठीक ही हो गए हैं और अपने घर चले गए हैं। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज CMO कार्यालय में संचालित एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में प्रभारी इंटीग्रेट कंट्रोल रूम, प्रभारी सर्विलांस समेत अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा कर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से जानकारियां लेकर संबंधित अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वाराणसी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1691 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं करीब 294 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। रामपुर में थाना सिविल लाइन प्रभारी दुर्गा सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद थाना सिविल लाइन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। वहीं फरियादियों को शिकायतों को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरियादियों की शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही है। झांसी में मेडिकल कॉलेज कोविड स्पेशलिटी सेंटर L3 सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए जिलाधिकारी आंध्रा वामसी और नगर आयुक्त अवनीश राय ने सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां भर्ती कोविड मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मरीजों को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए वार्ड नंबर 10 L2 बेड संख्या और बढ़ाने का निर्णय भी लिया। झांसी में मऊरानीपुर के देवरी घाट चौकी में गांव ठकरावारा के रहने वाले गोविंद दास का 7 साल का बेटा सूर्यकांत, जो कि गूंगा और बहरा है, किसी तरह से दूसरे गांव कदौरा पहुंच गया था। इसके बाद जब कदौरा के रहने वाले अनिल ने डायल 112 कर पूरी जानकारी अधिकारियों को दी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने सूर्यकांत को उसके परिवार को सौंप दिया। संभल में चौथे और अंतिम चरण मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियों को बहजोई जिला मुख्यालय पर मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। इन पोलिंग पार्टियों में पीठासीन अधिकारी समेत अन्य मतदान कार्मिक और सुरक्षा कर्मी बैलेट पेपर के साथ मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर आपके गाँव में खुल गया है चमन ट्रैवल्स एंड बाइक सर्विस। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि चमन ट्रैवल्स आपसे वादा करता है सस्ती और अच्छी सर्विस देने का। तो आप चमन ट्रैवल्स के दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और पाएं अच्छी से अच्छी सर्विस। अब लखनऊ जाना हुआ आसान, मात्र 1600 रुपए में ये सुविधा चमन ट्रैवल्स में उपलब्ध है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।